this is big stone. Yeah. They cannot, if earthquake also there is, they cannot destroy this building. इतने बच्चे हैं गांव में. राहुल भाई, पवन भाई, लच्छू भाई, संजू भाई, मेरी YouTube की जर्नी इसी मंदिर से शुरू हुई थी. जब भी मतलब इसका उदाहरण चला था, ये बजरंगबली का मंदिर सबसे. I saw you. You watching vlog? YouTube vlog? No, हेलो दोस्तों, राधे राधे. तो चलिए जी गाइस, करते आज एक नए ब्लॉग की शुरुआत. तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू एपिसोड एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल. तो गाइस, आई होप आप सब लोग स्वस्थ और मस्त होंगे. मैं भी एकदम स्वस्थ और मस्त हूँ. तो गाइस, आज की ब्लॉगिंग के स्टार्ट हो रही, सुबह के 8 बजे से स्टार्ट और मेरे रूम से स्टार्ट. तो चलिए जी गाइस, चलते हैं फटफट से बाहर, देखते हैं आज का मौसम क्या है, कैसा है. फाइनली पहुंच चुका मैं घर और मम्मी जी चले गए काम पे, और मम्मी जी ने आज मस्त सुबह सुबह आज घर के लिए पाइप उताई मस्त से कर दिए. तो आज क्या मस्त लग रहा है गाइस. तो पहाड़ों में ऐसे घर को मिट्टी से लिपा जाता है, मतलब घिसाई की जाती है. तो नीचे जो फर्श पे और ऊपर जो दीवार पे, तो ये पूरी मिट्टी से इसलिए बनाई जाती है गाइस, ताकि मतलब ठंड ज्यादा होती है ना, तो इसी का सीमेंट रहेगा तो वहाँ तो बहुत ठंड होती है गाइस. आज गर्मी के टाइम पे तो उतनी ठंड नहीं होती है, पर ठंडियों के सीजन में भयंकर ठंड होती है. तो इसलिए मिट्टी का घर बनाया जाता है पहाड़ों में. तो चलिए जी गाइस, फटाफट से करते हैं ब्रेकफास्ट और देखते हैं आज ब्रेकफास्ट में क्या है. इसमें तो रोटी है गाइस, और इसमें मस्त सी सब्जी है, मिक्स सब्जी गाइस. भेड़ बकरियां क्या मस्त सुबह सुबह चरान कर रहे हैं यहाँ पर. कोई कोई तो लड़ाई भी कर रहे. ये देखो, हाँ ये चेक करो. तो गाइस, मेरा फाइनली ब्रेकफास्ट भी हो चुका है. अब जा रहा हूँ थोड़ा रोड की ओर, रोड में कुछ काम है, तो फटफट चलते हैं गाइस. आज का मौसम की बात की जाए तो गाइस, मौसम का माहौल कुछ इस प्रकार से बिल्कुल क्लियर मौसम है, देख सकते हो. धूप भी लगी है बहुत ही प्यारी वाली, एक ही बदल आज दिखाई नहीं दे रहा अभी तक आसमान में. गाइस, रघु भाई ने ये नगर पालिका की कार बना दी अपने अपनी, यहाँ कूड़ा फेंका जा रहा है इसमें. इन्हें को मस्त से तो चेक करिए गाइस, हमारा इनका काम है, दुकान इनकी है, तो ये फेंकेंगे अब भाई. कूड़ा तुम्हारा ही है. एक डब्बा ये भाई, इसमें कितने देखते हैं इस, ये तो खा लिया. चलो तीन डब्बे यार. ये नहीं आ चुके कूड़ा फेंकने से, और राहुल भाई अभी डब्बे निकालते हैं. डब्बे भाई क्या बात है, ये डब्बे में बैठा खाता गाइस, ये इसके अंदर बैठा खाता है, है ना. ये देखो गाइस, चलो आज कम से कम एक पुण्य का काम तो किया भाई, कूड़े फेंक करके. चेक करो सुबह सुबह मेरे भाई की ऐसे हालत है, शादी इसको करनी नहीं है. सुबह सुबह उठ करके कर्म के भाई, सुबह सुबह क्या क्या भाई है, इतने बच्चे हैं गांव में. राहुल भाई, पवन भाई, लच्छू भाई, संजू भाई, क्या है भाई, ये पागल हो गए रे भाई. गेम प्ले देखता हूँ तेरा. ये तेरा गेम प्ले, अरे वो चलाना हो. ये मोहित भाई, हेलो मोहित ब्रो, केडी अभी 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 कहाँ सा रहा उठ के. ओ यसु गुठार से डाल दिया. चल 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 फेप 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 हो गया. ये भाई ये डाट, ये डाट हमारे गांव के बिल्ला बिल्ला बॉय. गाइस, हम जा रहे हैं थोड़ा मंदिर की ओर. आज थोड़ा मंदिर में जाने का मौका मिला, तो आज
हम अपने गांव के सियोलाई के मंदिर में जा रहे हैं। बहुत दिन हो चुके गाइस, अभी तक मंदिर में नहीं गए हमें, तो जा रहे हम। पवन भाई और लच्छू भाई आ रहे हैं और पीछे से राहुल भाई आ रहे हैं, तो चलिए चलते हैं फटाफट से। तो गाइस पहुंच चुके हैं फाइनली मंदिर में, और एक बार ये मंदिर का व्यू देखिए सुबह सुबह का। अभी टाइम सुबह के 11:30 हो रहे हैं, तो ये देख सकते हो गाइस, ये बजरंगबली का मंदिर है ये वाला। गाइस मैं आपको बता दूं, मेरी यूट्यूब की जर्नी इसी मंदिर से शुरू हुई थी, ये वाले मंदिर से। जब ये मतलब इसका उद्घाटन चला था, ये बजरंगबली का मंदिर, तब से मेरी यूट्यूब जर्नी स्टार्ट हुई थी गाइस, 17 मई 2021 से। तो देखिए गाइस, आज मैं फिर जब मेरा चैनल मोनेटाइज की कगार पार का, तो आज मैं थोड़ा भगवान बजरंगबली से मिलना रखा हूँ थोड़ा। अरे चेक करिए गाइस, हाँ दर्शन करना रखा भाई। तो ये गाइस चेक करिए, भोलेनाथ जी का मंदिर यहाँ का, बहुत ही प्यारा मंदिर है, आप भी आ सकते हो यहाँ दर्शन करने। ये देखिए गाइस, इस मंदिर की कुछ कहानियाँ हैं गाइस, उतना मेरे को नॉलेज नहीं अभी। तो जब कभी मैं किसी ब्राह्मण से या किसी बुजुर्ग आदमी से इस मंदिर की हिस्ट्री के बारे में, मंदिर की हिस्ट्री के बारे में जानूंगा, तब मैं आपको बताऊंगा। तो ये चेक करिए गाइस, ये यहाँ का घर वगैरह, तो देख सकते हैं गाइस मैं ज़्यादा। ये बजरंगबली का मंदिर, और ये है नारायण भगवान का मंदिर, और ये शिव पार्वती, और ये किस चीज़ का मंदिर है ये पता नहीं गाइस, किस चीज़ का, साईं बाबा की फोटो लगी है यहाँ पर, साईं बाबा के मंदिर। और ये है विष्णु भगवान का मंदिर, माता माँ लक्ष्मी जी का मंदिर है ये चेक करिए गाइस। तो ये है यहाँ का कुछ इस प्रकार का व्यू मंदिर का, ऊपर से मस्त सुराई के पेड़, और ये चेक। भाई शंख बजा, तो शंख नहीं बजा रहा है ऐसा, बस मैं बताऊँ दिखा था नहीं वीडियो बना। मंदिर की सफाई की जा रही है लच्छू भाई के द्वारा, तो गुड लच्छू ब्रो, ऐसे डेली काम करना आया कर सुबह सुबह यहाँ। गाइस फाइनली आ चुके हैं मंदिर से, और मंदिर में सफाई वफाई कर दी थोड़ी, थोड़ा भजन भजन चलाया हमने, और पवन भाई ने थोड़ा पूजा पाठ की, मैंने भी थोड़ा, पवन भाई ने मिल जुल के Yeah, whatever, it depends on the steak. Definitely. Yeah. Steak? Yeah, steak and you know, Cuban panini, Cuban sandwich. Cuban sandwich. The farmer cooked us a chicken. Yeah. And it was so good. He made really good chicken and chapati and I forget the other name, but the greens, the green vegetables. Mm. Yeah. Sabji. Yeah, yeah. This one local name is. I saw it. You watching vlog? YouTube vlog? No, not on YouTube. YouTube. Oh, you're on YouTube. Yes, okay. Yeah. What's your name? My name is Eric. Eric. But in India they call me Ricky. Ricky. Yeah. Yeah. My Indian name is. Indian name. Yeah. Ricky, nice name. Where do you work in India? No, I work in America. I'm traveling here with friends. We're just going through villages. We were in Pana earlier. Okay. And Irani, okay. and it's so beautiful. Kedarnath. I don't know. Kedarnath is temple. Hindu temple. Oh, really? Yeah, Kedarnath, Badrinath. That's Jyotirlinga. Kedarnath. And Badrinath. This Shiva temple. This is biggest. Lord Shiva. Big. But they use a big stone in like a wall, but he didn't use in construction in a house. Yeah, traditionally, homes in America we build out of like wood. Yeah, oh yeah, wood. Yeah, I know. UK also, wood framing. Yeah, wood framing. But here it's like stone. Yeah, it's stone. Many hundreds of years. But you saw there is Kedarnath temple and. Badrinath temple and Nepal also there is Pasupatinath. This is the ancient construction of house. This is big stone. Yeah. They cannot if earthquake also there is, they cannot destroy this building. This is lock. So, yeah. They proper locking. Yeah.
we went to somebody's house yesterday who's कहीं समझ तो कुछ समझ नहीं आ रही क्या बोल रही है थोड़ी मदारी ज़्यादा तो नहीं आ रही है समझ में हाँ जी गाइस तो गाइस अभी टाइम है दोपहर के 12 बज चुके हैं और फाइनली गाइस मैं पहुंच चुका घर तो अभी तक मैं रो रहा था गाइस आज हमको एक फॉरेनर मिले जो कि फॉरेनर थे अमेरिका के तो उनको दुकान से एक हेड वेयर चाहिए था मतलब वो एक पहनने वाला नहीं होता जो मतलब हम यहाँ जो हम गले में भी पहनते हैं और अपना मुंह भी ढक सकते हैं उसमें सर में भी पहन सकते हैं तो उनको वो वाला चाहिए था सो इंग्लिश में तो बात कर रहे थे वो और हमारी इतनी अच्छी इंग्लिश है नहीं कि हम इंग्लिश में बात कर पाए जितना हम करते थे मैंने की उनसे तो उसके बाद एक चाचा जी है नरेंद्र चाचा जी तो वो कर रहे थे उनसे बात और वो बता रहे थे कि हमारे तुम्हारा गाँव बहुत ही अच्छा है मतलब भी बहुत हमको भी समझ में आ रही थी गाइस तो क्या करें गाइस कहते ना कि इंग्लिश आनी जरूरी है गाइस लाइफ में कभी भी कुछ भी हो सकता है गाइस तो उस समय कोई ना गाइस अपनी हमको ये भी नहीं किया हमको इंग्लिश नहीं आती है जितनी भी आती है थोड़ी बहुत आती है समझ आते हैं हमको अपनी लैंग्वेज ही प्यारी है तो ऐसा नहीं किया किसी के चक्कर में हम अपनी इंग्लिश सीखें अच्छी बात है गाइस सीखनी चाहिए अच्छी बात है सबको आनी चाहिए इंग्लिश भी आनी चाहिए पर अपनी संस्कृति अपनी भाषा कभी किसी को भूलनी नहीं चाहिए गाइस ये ध्यान में रहे तो गाइस करते हैं फटफट लंच की तैयारी फिर मिलता है गाइस आपको तो गाइस फाइनली मेरा लंच भी रेडी हो चुका है करते हैं फटफट से लंच और लंच गाइस मैंने डाल भी दिया थाली में और इसमें चावल और ये तो इसमें चावल और मिक्स सब्जी है और इस एक गिलास में मट्ठा तो गाइस खाते हैं फटफट से और तो गाइस फाइनली लंच भी हो चुका है मेरा और गाइस इतने बर्तन अभी मेरे को मांजने हैं तो इनको मांजने हैं फटफट से तो हाँ जी गाइस गुड इवनिंग तो गाइस अभी टाइम हो रहा शाम के 5 बज चुके हैं और गाइस अभी मैं जस्ट खाना खाने के बाद बर्तन धो करके सो गया था उसके बाद पता नहीं आँख इतनी जल्दी कब लग गई और अभी सीधा उठ रहा हूँ तो बाहर आके देखे गाइस सनसेट का भी टाइम हो चुका है बिल्कुल सर देख सकते हो गाइस बिल्कुल सनसेट का भी टाइम हो चुका है इवनिंग का व्यू देख सकते हो अभी क्या मस्त लग रहा है सनसेट का व्यू तो चलिए जी गाइस अब चलते थोड़े रोड के और कैरम खेलने